हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज व्हाई आर कॉन्डम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रसेप्टिव ठीक है सो so, कॉन्डम्स जो होते हैं वो मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों कंसिडर किए गए हैं ये पूछा गया हम है हमसे ए गिवन है दे आर इफेक्टिव वैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन सो ये इफेक्टिव वैरियर्स होते हैं इंसेमिनेशन के तो अगर हम देखें कॉन्डम्स आते हैं वैरियर मेथड के अंडर ही ठीक है वैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंडर आते हैं ये अब बैरियर मेथड का इसमें मतलब क्या हुआ बेसिकली कि मान लो कि ये स्वम है एंड ये मान लो ओवम है तो इन दोनों के बीच में हमने एक बैरियर लगा दिया मतलब इनके फिजिकल मीटिंग को हम क्या कर रहे हैं रोक रहे हैं ठीक है ठीके? तो कौंडम ये चीज़ करता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है देन गिवन है दे डू नॉट इंटरफेयर इन सेक्शुअल डिजायर्स किसी भी तरीके के सेक्शुअल डिजायर्स में ये क्या नहीं करते हैं इंटरफेयर नहीं करते हैं ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है देन सी गिवन है दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एस टी डीज ठीक है तो एस टी डीज होने से भी ये प्रिवेंट करते हैं यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है एस टी डीज का क्या फुल फॉर्म है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो भी क्वाडम से क्या हो सकती है प्रिवेंट हो सकती है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीआरटी में पेज नंबर 44 पे मिलेगा आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है थैंक यू